करने बुलाया। चल चल जल्दी चल। पता नहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाना। किसका कॉल था? आज आजा, मैं जल्दी आना, सर खड़े। हाँ हेलो। अबे अर्शद, अच्छा कल 2 बजे ग्राउंड में आ जा, मैच है, 1:30 बजे तक पहुँच जाना। हाँ लोग भैया चल। हाँ आ गए सब? यस सर। गुड। तो कल आप लोगों के लिए इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे। आप लोगों को इंडिया ऑस्ट्रेलिया के नेट्स पे भेजा जाएगा, लेकिन जाने से पहले कुछ रूल्स हैं, सुन लो, काम आएंगे। आप लोग वहाँ आईसीए को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसलिए अपने बिहेवियर का बहुत ध्यान रखना। वहाँ पर तुम लोगों का सिलेक्शन ट्रायल्स नहीं चल रहा होगा, इसलिए बैट्समैन जहाँ बोलेगा बॉल वहाँ करा के नॉकिंग करानी है बस। नो वाइड, नो फुल टॉस, नो बॉडी लाइन। सेल्फीज, ऑटोग्राफ नेट प्रैक्टिस के बाद, वो भी अगर उनका मन किया तो। और एक बात और, बाउंसर डाल के कोई हीरो नहीं बनेगा। तुम लोगों के बाप बैठे हैं वहाँ पर शॉर्ट बॉल पे, खास तौर से ऑस्ट्रेलियंस। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर बॉयज? यस सर। फाइन देन, गुड लक। थैंक यू सर। सर कितने बजे जाना है? कल शाम को 4 बजे यहाँ रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद वील ऑल गो टुगेदर टू होलकर स्टेडियम। गुड लक। थैंक यू सर। फाइनली तो बॉल डालेंगे वे। फाइनली तो बॉल डालेंगे रे। मार रहा है ये। वो शॉट है। गजब। क्या शॉट रेंज है मेट इसका। शामली लाइन करना सच में तूफानी है ये। अबे खाली फर्स्ट इनिंग में तूफानी है, चेस करते टाइम हवा का झोंका है ये। एक सेकंड भैया, लास्ट टूर्नामेंट में तो मालवीय नगर वार्ड से खेल रहा था। कौन है तूफानी? हाँ तो बनवा लिया होगा यार, नकली आधार करते हैं कुछ लोग। कोई नहीं यार, इसे ही तो निकालना है, निकाल देंगे यार। क्या 4 बार बोल चुका है 4 अलग बैट्समैन के लिए। देख तो गेम देखिए उसका, ये देख। अरे कोई नहीं, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ है, टॉस जीत के बैटिंग करनी है और पेलना है सावनी लाइंस को, है कि नहीं? अरे मेट अब तो अर्शद अपने पास बॉलिंग भी तगड़ी है अपनी। नहीं क्या क्या नहीं बे, ये मतलब टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते ना भैया। क्यों? सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए पिच सही हो जाता है, इजी हो जाता है, सही रहेगा फिर। सीमेंट के विकेट पे हो रहा है टूर्नामेंट, कैसी बातें कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी टॉस कौन सा अपने हाथ में होता है भाई, पहले बैटिंग है चाहे बॉलिंग, उसी के हिसाब से मैच खेलना पड़ेगा ना। बस एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि मैच में ना कोई अपनी पर्सनल गेम ना चलाए। भैया एक तरफ से आउट होते हैं ना सब, चलानी पड़ती है पर्सनल गेम। अरे मैं तो टीम को बोल रहा ना भाई। मैं आप ही को बोल रहा हूँ ना भाई। अरे मेट जरा छोड़ो ना, क्या चल रहा है? अरे कहाँ रह गए यार राजेश भैया। अरे सॉरी यार, वो गुलावट लेक के पास ना डिलीवरी आ गई थी, उसी के पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लग गया यार। गुलावट लेक में कौन कार डिलीवरी करता है भैया, आने तो ढंग के मारा करो। बस स्पिनी करता है भाई, एक आदमी को अपनी बीवी को इम्प्रेस करना था लेक के किनारे, बस करवा दी डिलीवरी। क्या बात है यार, तुम हुई सरप्राइज हो? हाँ तुझा देखा जा। मैं पूछ रहा हूँ यार, बस ऐसे ही। प्रैक्टिस कर रहे हो? हो गई, कर ली हमने। क्या बात कर ली? और क्या यार ये। अरे आलोक भैया, वो स्कोरर के पास कौन बैठेगा अपना आदमी? ये बैठेगा ना, ये विकास। हाँ। अरे हर बार भैया मैं ही अलग जाके बैठता हूँ, फिर आप मुझे बोलते हो मैं टीम बॉन्डिंग नहीं करता। एक मिनट भाई, 12th में 96 किसके आए थे मैथ्स में? फिर यही डिसाइड हुआ है ना, जिसकी मैथ सबसे अच्छी होगी वो बैठेगा स्कोरर के पास। हाँ। तू ही बैठेगा। एक सेकंड भैया, लोग बुकिंग ओपन हो गई, अबे जल्दी करना भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 20 मिनट पूरा स्टेडियम भर जाएगा। वैसे भी मैं नागू भैया क्या बात नहीं देखने वाला इस बार को। क्यों, क्या हो गया, क्या कर रहा है बेट? फिर से पैसे बर्बाद कर रहा है क्या? आप टिकट ना कराऊं? तू नहीं जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया? वो संजय भैया ने मेरी टिकट करा दी है, पवेलियन के जस्ट ऊपर VIP स्टैंड में। और मेरी? जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारेगा तो तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे मिस कर सकता हूँ? तेरी भी होगी मेट। हैं? हाँ। साले कंगारू। किधर आया मेट? हाँ किसी को कुछ बोलो। प्लीज मम्मी जाने दो ना। नहीं जाना। प्लीज मम्मी आज संडे है। हाँ तो संडे तो क्या धूप में खेलोगे तुम? हाँ होमवर्क किया तुमने अपना? शाम को जाना। जाने दो ना यार। राजेश अरे बोलो ना इसको। हाँ हाँ बेटा शाम को चले जाना, अभी पढ़ाई कर लो। पापा अरे मधु अरे जाने दो ना इसे, संडे को तो दो दो बार खेलना चाहिए। जा बेटा जा। यस थैंक यू पापा, बाय मम्मी। अरे क्या राजेश क्यों जाने दिया तुमने उसको? अरे जाने दो ना यार, बच्चों को धूप से क्या डराना। क्या छोड़ो उसे, ये देखो मुझे क्या मिला। क्या? ये देखो चैलेंजर्स ट्रॉफी 2001, ये होलकर क्रिकेट कप 99 और ये देखो ये सब तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं। विनिंग कभी फाइनल्स में पहुंचे ही नहीं यार, तो जीतेंगे कैसे? तो फिर खेलते क्यों थे? अरे तो खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब तो क्या ही खेलोगे। राजेश तुम मुझे सारे सर्टिफिकेट्स दिखाकर कहीं दोबारा खेलने की परमिशन तो नहीं मांग रहे ना? नहीं नहीं ऐसी बात कर रही हो। मांगना भी नहीं। निकू ले पापा को चाय दिया। मम्मी तो अंडा छू लिया ना अब तो क्या हुआ? हाथ धो ले हो दे दे। मम्मी क्या ही पता लग रही है, लाओ ना अभी। पापा चाय। अनंत सिंह की टीम छोड़ दी है मैंने, बस बता दिया था। मम्मी क्या चल रहा है? पापा नोटे गिन रहे हैं अंदर। 5 लाख की एफडी तोड़वा दी है नौकरी बचाने के लिए। किसको देने? कोई एक थोड़ी ना लेता है, सरकारी कामों में सब थोड़ा थोड़ा नोचते हैं। अब दूसरों क्यों कोस रही हो? बाकी लोग भी तो होंगे शहर में जिसको घर बनाने होंगे पापा की तरह। चिलो चिलो आलू चिलो, लेट आऊंगा मैं। एकदम जबराट लगना चाहिए मैं। अरे लगेगा यार, लगेगा। थोड़ी ढीली ढीली बनाओ या टाइट रखो? हवा आती रहनी चाहिए बस। समझ गया। एक बढ़ा दे। हाँ। घूमो। हाँ। अच्छा भैया एक बात पूछूं? Go on mate। ये कैसे हुआ? क्या? ये फालतू की बात मत करना, गुल्ली पतला होने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अरे वो नहीं बोल रहे भैया, ये बोल रहा हूँ कि मतलब आप बसंत कुमार से उसी कैसे बन गए? चाहिए हाँ। लंबी कहानी है पर तू सुन, तेरे पास टाइम ही टाइम है। तू मेरे को एक बात बता, तेरा पहला मैच कौन सा था जो तूने टीवी पे देखा था? पहला तो ये नेटवेस्ट ट्रॉफी भैया, नेटवेस्ट ट्रॉफी। 5 साल का था मैं, नानी के घर मैच देखा था मैंने। जब इंडिया के 146 से और सचिन आउट हुआ ना, सब सोने चले गए। मैं और नाना बैठ के देख रहे थे मैच बस। यकीन करोगे भैया, मतलब लाइव का पहला मैच और उसी में जादू हो गया। सही है। देखो बता मेरा पहला मैच कौन सा था? कौन सा? इससे ठीक 1 साल बाद 2003 वर्ल्ड कप। पहली बार भगवान दिखे थे मेरे को। हाँ भैया 2003 में तो सचिन पागल हो गया था मतलब। नहीं तेंदुलकर नहीं, पंटर भगवान। अरे फाइनल में क्या बैटिंग की थी उनने, उनको बैटिंग करते देखा ना तब लगा असली भगवान सचिन नहीं, ये है पॉन्टिंग। देख याद करके रोंगटे खड़े हो गए। एंड क्या टीम थी मेट, क्या टीम थी। रुथलेस, फियरलेस और 2003 में वॉन के बिना स्पिनरलेस। तेरे को पता पॉन्टिंग ने मैच के पहले क्या बोला सबको? क्या बोला? प्रैक्टिस मत करो कुछ। अरे सही में मजाक नहीं, प्रैक्टिस मत करो। और जो इंडिया की टीम वहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है ना, उनको बस घूरते हुए एक राउंड लगा के आओ। कांप गई थी इंडिया की टीम। तो बस फिर मैच में जो सबने देखा ही, बॉलर्स जो है वो लाइन लेंथ भूल गए, बैट्समैन बाउंड्री का पता भूल गए, और सेम डिट्टो 2007 में रिपीट 3 बार लगातार। कौन सी टीम जीतती है वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया। बस नॉमिनेशन का फैन हो गया मैं। ये सब बोल के कभी पिटे नहीं भैया? हाँ मतलब एक आध बार, लेकिन वो हमेशा निक्को जाता था बचाने। कल रात को ले लेना। अरे जल्दी बना दे यार गुल्ली। कल ले लेना भैया। ठीक है सुबह आता हूँ फिर। ठीक है भैया 50,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा, बात हुई थी ना अपनी। और ये भी ना मिनी बॉम्बे है, यहाँ भी फ्लैट किराए पे यूँ जाते हैं यूँ। भैया इसलिए तो कह रही हूँ, आप कल रात तक 25,000 देता हूँ आपको मैं, आप फ्लैट ब्लॉक कर दो, उसके बाद बाकी के 25 2 दिन बाद पक्का। उधार ले लो क्या किससे? नहीं मेरे से ले लो भैया, अपना धंधा है, हम 1 लाख तक लोन देते हैं 8% पे। उधार नहीं ले रहा हूँ, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है ना, तो 15,000 मैन ऑफ द मैच के, अब 10,000 हाईएस्ट 6 के, अपने को जीतना है, ला के दे दूंगा पैसे। कौन दे रहे इतने पैसे, वो भी टेनिस बॉल में? अपन तो 11 लगाते थे, 22 जीतते थे, उसमें पोहा जलेबी खाया खुश। अरे भैया टूर्नामेंट ये पोहे जलेबी वाला नहीं है, 5 लाख प्राइज में नहीं है इसका। 5 लाख? हाँ सही है, सही है भैया। तू जा, जाके खेल, पैसा कमा जा। मैं इसको 25 में ब्लॉक करना ट्राई करता हूँ। जा पक्का? अरे बिल्कुल बिल्कुल निक्को मेरी जान, जा। अच्छा सुनना, ये अंपायर को कितना देते हैं लोग? समूह कल्याण पार्टी द्वारा आयोजित अनंत प्रताप सिंह टूर्नामेंट हो गया है शुरू। पहला मैच खेला जाएगा भैया विजयनगर विजेता और छावनी लायंस के बीच में, जहाँ विजयनगर विजेता ने टॉस जीत के चुनी है बैटिंग। तो बॉलर है सब साथ में, अरे 1 2 3 4 नहीं चाहिए हमको यार। इंदौरी देंगे किसको प्यार स्टेडियम पर। हेलो हाँ उसी। हेलो भैया आवाज़ नहीं आ रही आपकी, ट्रैफिक में हो क्या? अरे नहीं यार, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, ये बैठ जाओ। हाँ सर बैठिए। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था कि वो मेरे मौसी जी है ना यार, उज्जैन वाले, पूरे जोशो खरोश से गेट डाले और ये निक्कू ने डिस्ट्रॉयर ने मार दिया एक और छक्का स्टेडियम के बाहर। वो मेरी एकेडमी की फीस दे रखी है उन्होंने, अब मना कैसे करूँ, समझ रही है ना उसी। हाँ उसी। हाँ हाँ भैया हाँ, चल चल फिर मिलते हैं। चल ओके। और ये बॉलर बैट्समैन की तरफ हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए, और ये उड़ा दिया हेलीकॉप्टर और धूल भी नहीं उड़ी, एक और छक्का। आवर का तीसरा निक्कू द डिस्ट्रॉयर के बैट से। यह अपना इंदौर नंबर 1 है सफाई में और निक्कू द डिस्ट्रॉयर नंबर 1 है पिटाई में। गया भैया आखिरी ओवर। नाबाद 78 रन और निक्कू के 7 छक्कों की बदौलत विजयनगर विजेताज का स्कोर 10 ओवर में 128 रन और यहाँ पे छावनी लायंस को जीतने के लिए उनके सामने 129 रन का विशाल रन। बहुत सही खेला यार, बहुत बढ़िया निक्कू। क्या हुआ मेट, मैं क्या कह रहा था, वो ग्राउंड पे तो अपन बियर पी नहीं पाते, तो नागू भी आके यहाँ पे देखते ना मैच। एक मैच में बियर नहीं पिएगा मर जाएगा क्या? अरे गर्मी होती है ना बहुत। अरे तुम मैच वहाँ देख रहे हैं ना अपन वीआईपी बॉक्स में। हाँ रिप्ले नहीं देख पाते ना, उसकी स्क्रीन होती है। रोजी क्या हुआ? कुछ नहीं, इधर देख क्या हुआ। अरे वो संजय भैया के मौसा मौसी आ गए उज्जैन से अचानक, तो अपनी टिकट उन्होंने उनको दे दी, बस टिकट नहीं है अभी। छुट्टिया है क्या? कराल इतना उसमें टिकट अच्छा भला क्यों रोका मेरे को? जी मेरे को मैच देखना अभी, सब जा रही है, टिकट ला के दे। ग्राउंड फुल है। हाँ तो ब्लैक में ला के दे, बुक कर कहीं से भी, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा ब्लैक का तू भरेगा। ये एनफील्ड प्लेयर्स का भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ग्राउंड में ना लाइफ में। लेकिन संजय भैया की क्या गलती है इसमें? टिकट ला के दे मेरे को। ना भाई लोग तो 128 तो अपन रोक लेंगे आराम से। तो मैं और से शुरू करते हैं। पहला चेन दीपक, दूसरा चेन निक्कू। क्लियर? सबको क्लियर है ना? और टूर्नामेंट ना छोड़िए, मेरे और मेरे खुद के परिवार के भी करता धरता श्री श्री अनंत प्रताप सिंह का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भैया। अरे भैया इसमें घी नहीं है। अब क्या करें? ये भी मैं बताऊंगा। छुरी के लेके आ, मैं लेके आता हूं। अरे सुनो, सेकंड इनिंग ये उद्घाटन समारोह के बाद शुरू करेंगे। सर कितनी देर में? बस घी आ जाए। अरे सर एक इनिंग तो हो गई है, अब उद्घाटन क्यों? लेकिन अन्नू भैया तो अभी फ्री हुए हैं ना, तब हो रहा है उद्घाटन। ठीक है तो अब आए मैच के लिए। सर जल्दी करवा दो ना प्लीज। क्यों बे? चलो किस बात की जल्दी है? अरे नहीं ऐसे ही, मतलब शुरू कर देंगे यार, खत्म कर देंगे। अरे हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं, खत्म करना है, खेलना है। कैसी बात है यार, ठीक है। अरे अपने अन्नू भैया के ज्योति जलाने का अंदाज तो देखिए भैया। ऐसे ही अपने अन्नू दादा अपने जीवन में और हमारे घरों में उजाला करते आ रहे हैं। अब मैं अन्नू दादा से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द नहीं पूरे 2000 शब्द कहे, क्योंकि अपने लिए तो वो भी कम है ना भैया। मैं चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाग लें, इसका हिस्सा बने और इस टूर्नामेंट को भव्य और विशाल बनाएं। तो दिल से खेलिए, क्योंकि ये खेल आपका है और मैं आपका हूं। हाँ भैया, 2 टिकट चाहिए थी। कितने की है? 15,000 का एक। ये इतना रेट तो इंडिया पाकिस्तान का भी नहीं रहता है। अंत में सभी टीमों से अनुरोध है कि नियम और डिसिप्लिन का ख्याल रखें और खेल की भावना को बना के रखें। यार पता है ना यार, जल्दी करो ना। और साथ ही में मैदान में स्वच्छता का भी ख्याल रखें। अरे भैया, लॉन्ग ऑन ओवर के बाद थर्ड मैन हो जाता है, व्यू खराब होता है। कुछ मिड विकेट में नहीं है क्या? क्योंकि इंदौर लगाएगा स्वच्छता का छक्का। अब मैं अन्नू दादा से अनुरोध करूंगा कि वो पिच पे आकर इस भव्य टूर्नामेंट का श्री गणेश करे। धीरे खिलाओ। अरे नहीं नहीं ठीक है। अरे तुम कराओ कराओ, तेज कराओ। हाँ तेजी डाल, तेज डाल। अच्छा थोड़ा थोड़ा धीरे, थोड़ा हाँ, थोड़ा फास्ट, थोड़ा धीरे। यार लगेगा लगेगा लगेगा। ये ऊपर था। अरे वाइट था, वाइट था। अरे सीधा बोल डाल रे। शुरू करो भाई। बढ़िया। ये लास्ट वाला ही रखना है, बाकी डिलीट कर दे। ठीक है, 40 मिनट खा गया यार ये पूरा। अरे कोई नहीं, चलो भाई लोग शुरू करें क्या? हाँ अर्शद चल 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 कर चल बॉल का तरीका स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में देंगे। आ गया कौन? अर्शद और कौन? नहीं उठा रहा हूँ फोन। अरे यार क्या ये पहला मैच है आज। क्या बोला था आपने उस दिन? 11-11 फाइनल में जाएंगे। भाग गया पहले दिन ही। अंदर तूफानी को देख के फट गई साले की। क्या यार? अरे शुरू करो फटाफट, लेट हो रहा है। अरे आ रहे हैं यार। आगे सर, आगे आगे आगे। क्या करे यार लोग ये? अरे क्या सोच रहे हो यार? जाओ बॉलिंग करो। शुक्र करो मैं रन बनाया थोड़े। डिफेंड करो, चलो चलो। हाँ यार चलो छोड़ो यार, अब अर्शद गया तो क्या कर सकते हैं। एक काम करो, एक ओवर राजेश पे डाल लेंगे और एक बसंत करवा लो। वेट करने का फाइन है, मालूम है ना? बॉलिंग टीम का 15 रन कट हो जाएगा। हाँ कर दो, कर दो माइनस। गरम क्यों हो रहा है? हाँ सर बस बस आगे 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 आगे। 2 मिनट। अच्छा ठीक है, सुन सुन सुन, तू जाएगा कीपिंग, समझ रहा है ना? और एक भी मिनट में तेरा मुंह नहीं बंद होना चाहिए। अरे जीना आराम कर दूंगा इनका भैया। चलो मैं डाल रहा हूँ पहला ओवर। कैच नहीं छोड़नी है गाइस, दबके दबके कैच नहीं छोड़ना एक भी, पटक के डालेंगे भैया, लेफ्ट ऑन आउट विकेट पटक के डालेंगे। चलो कारगी कारगी आलोक भैया कहां पे भैया खेल बेटा खेल, चलो थोड़ा और बस 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 चलो चलो भैया डेली गेंद निकाला है। चलो अब ये पानी आए स्ट्राइक में और ये टीम का कप्तान आलोक हल्के हल्के कदमों से तूफान की तरफ बढ़ते हुए। भैया बॉडी से दूर खिलाओ ना, बॉडी से दूर नंबर बाहर खिलाएंगे। कितने बनाए इसने दादा? 38 पे 78। ये देखो भैया अब तो दुकान के दर्शक होना लाइन देख भी भूल गया है। हाथ पकड़नी आ रही, बॉलिंग करें जल्दी आओ। और ये लगा चौका, टप्पे भी नहीं गिरा पा रहे रे, बोला सरकार से कह के वो इस तूफान का भी नाम रखवाओ रे, क्योंकि जैसा ये मैच चल रहा है मेरे को लग रहा 5 ओवर में निपटा देगा अपना तूफानी। कमान कमान बॉयज फॉल इन। ऑलराइट सब लोग आ गए? यस सर। ग्रेट। कल जो रूल्स बताए थे सबको ध्यान है? यस सर। गुड। क्रिकेटर की तरह वह जाकर के बिहेव करना, फैंस के जैसे नहीं, ठीक है? यस सर। गुड लक। ऑल सेट? यस सर। यस सर। ओके सो डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड आउट, हां? रिमेंबर टू हैव फन। ऑलराइट? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। चलो। अर्शद खान साहब, यू नॉट गोइंग। क्या हुआ खान साहब? नहीं कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू मेनी बॉलर्स देयर, तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर मैं तो टाइम से आया खान साहब। अच्छी बात है, टाइम पर ध्यान देना आता है तुम्हें, धीरे धीरे फील्ड पे भी देना सीख जाओगे। खान साहब उस दिन सॉरी तो बोला था खान साहब। हाँ मुझे याद है, 5 बार तुमने सॉरी बोला था, लेकिन तुम्हें भी याद हुआ कि उस दिन मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी थी, है ना? एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि तुमसे वो ग्राउंड पे रोलर चलवाऊँ या फिर किट बैक पैक करवाऊँ, ये सज़ा याद रहेगी तुम्हें। नहीं खान साहब, सॉरी खान साहब, वापस नहीं होगा खान साहब, जाने दीजिए खान साहब। जाने दे रहा हूँ ना, घर जाओ, गिव यू हैमस्ट्रिंग सम रेस्ट। खान साहब जाने दीजिए। नहीं खान साहब, खान साहब प्लीज जाने दीजिए। स्टॉप क्रिएटिंग सीन। खान साहब सॉरी खान साहब, वापस नहीं होगा। अर्शद लेट गो। नहीं होगा खान साहब, सच कह रहा हूं, वापस नहीं होगा खान साहब। अर्शद लेट गो ऑफ माय लेग। खान साहब प्लीज, खान साहब, खान साहब। अरे अनवर तूफानी 65 रन पे नॉट आउट है और ये मार दिया अपना 7वां छक्का। बस एक और छक्का मार के अनवर तूफानी निकल जाएंगे निक्कू भैया से आगे और जीत जाएंगे 10,000 रुपए का इनाम। और इसी के साथ स्कोर 6 ओवर में हो गया है 90 रन और छावनी लायंस को 4 ओवर में चाहिए मात्र 39 रन। क्या कर रही है यार गुल्ली, यार कुछ तो कर, उंगली घुमा, स्लोअर डाल। 7 छक्के मार दिए उसने यार भैया, हर बॉल को मार रहा है यार ये। तो थोड़ी चलाकी दिखाना, सारी चलाकी बल्ला चोरी के लिए करता हूँ। चलो लग के रहते हैं, इसके ओवर खत्म, इसके खत्म, गुल्ली ने डाल दिए, मेरा एक रहता है। डालेगा स्पिन? सीमेंट की विकेट पे स्पिन नहीं चलेगी भैया, बहुत मार पड़ेगी। आप मेरा तो स्लिप डिस्क कह रहा। हाँ तो कर क्या रहो टीम में, जाके कमेंट्री करो ना। कुछ छोड़ना यार, कमेंट्री के बारे क्रिकेट खेलना है। छोड़ एक काम करो, आप डालो, बाद में देखते हैं। और मैच फंस गया तो कौन डालेगा फिर? अर्शद कहाँ था बे तू? बाद में। चलो शाबाश। तो लावा उगल रहे गेंद से। इसी के साथ ये खत्म कर दिया, इंडिया ने स्कोर किया है। विजय जगदम्ब पहली जीत कर लिया दर्ज अपने नाम और आ गए हैं क्वार्टर फाइनल मैक्सिमम छक्कों के लिए हमारे अनवर तूफानी भाई को 10,000 रुपए की धनराशि प्रस्तुत करें। अरे तालियां बजाते रहो रे तूफान वाले। और अब जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत ना केवल पब्लिक का मनमोहा बल्कि अपने बलबूते पर टीम को जिता भी लिया भैया, और जिनके बिना विजयनगर विजेता कुछ भी नहीं, अरशद आजमी। अरे मेरा आदमी मेरा फाइल का थोड़ा सा हर युवा खिलाड़ी चाहता है कि अपने मोहल्ले का टीवी छोड़ के स्टेडियम में मैच देखने जा पाए। तो भैया लो, अपने अन्नू दादा ने इस बात का भी ध्यान रखते हुए मैक्सिमम छक्के उड़ाने वाले प्लेयर और मैन ऑफ द मैच वाले प्लेयर के लिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की 2-2 एक्सक्लूसिव टिकट भी प्राइज में रखी है। मेरी तो आत्मा जल के राख हो गई तूफानी भैया, साथ में किसको लेके जाओगे बताओ बताओ। चले क्या अपन लोग, एंड में सब सही हो गया, मैच भी जीत गया अपन और टिकट भी मिल गई। हर्षद ने दे दी मेरे को, गान में डाले टिकट। मैच पे पैसे लगा दूं? हाँ लगा दे। किस पे लगवा रहे हो भैया? 1.5 लाख लगा दे रोहित पे। जी भैया। क्या नागू भैया, मैच देखने नहीं गए आप? अरे नहीं बेटा, वहाँ बियर पीने नहीं देते, ये होलकर है हेडिंगली नहीं। तू पिएगा बियर? हाँ भैया, बेटा बियर लगा एक। वैसे दीपक तो कह रहा था कि तू और औसी जा रहे आज मैच देखने। नहीं भैया, सेम प्रॉब्लम बियर। देखना आज रोहित छोड़ेगा नहीं कंगारुओं को। कंगारू नहीं, कैंगरू। अरे तू यहाँ आ गया, तेरा हुलिया देख के तेरे को निकाल दिया क्या स्टेडियम से? नहीं भैया, मैं खुद ही आ गया। दिया गया। क्या हुआ? अकेले अकेले मैच देख रहा है? क्यों आ गया तू? आ गया बस। टिकट दे दी। किसको? दो दोस्त थे, ब्लैक में ट्राई कर रहे थे बेचारे, वो दे दी। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टिकट किसी और को दे आया? जब मैं लाइन में खड़ा था ना, तब मैंने सोचा जब मैं मैच देखने जाऊंगा अंदर, तो अगली बॉल कौन सी होगी, बाउंसर होगी, यॉर्कर होगी, अगला ओवर किसको मिलेगा, अगला बैट्समैन कौन होगा, मैक्सवेल विकेट कब मारेगा, ये सब मैं डिस्कस किसके साथ करता, इसलिए आ गया। कितने बेची? क्या पैसे लिए ना? दे दिया उनको फ्री में। हाँ। अरे उस मोमेंट कुछ समझ में नहीं आया तो दे दिया मैंने। तू छोड़ना, मैच देखना देखना, अगले बॉल पे ना यॉर्कर और सिंगल। नहीं, शॉट पुल पे छक्का। देखते हैं, देख ले। बोला था ना, शॉट तो थी। बियर पिएगा? भैया एक बियर और। बड़ी तो है, आ रही है ना। अरे ये ले, अगला बोल, अगला बोल। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अगला बोल। चीयर्स दागू भैया। चीयर्स बेटा। विकेट हो गई। चौका। विकेट है, विकेट है, विकेट है। देख 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 देख। कितना कमीना है नीतू, टीम के साथ खेलता ही नहीं है। अबे यार, जब पूरी टीम एक साइड से आउट होने लगे ना, तो चलानी पड़ती है अपनी पर्सनल गेम यार। अब निकू के डायलॉग भी बोल रहे हैं ना तू। यार क्या मस्त एपिसोड था, मजा आ गया। गाइस, अगर आपको भी एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कितना अच्छा लगा है, और लाइक करें, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट पे जो लिंक है उसको जाके क्लिक करें, ताकि अगले एपिसोड के लिए आपका रिमाइंडर सेट हो जाए। सिक्सर का एपिसोड हर ट्यूसडे और फ्राइडे रिलीज होने वाला है। फोन किसको कर रहा है? अरे यार मैकेनिक है, मतलब गाड़ी से परेशान हो गया हूँ यार मैं, बेचनी पड़ेगी। तो अपने राजेश भैया को फोन करना, वो तुझे बेस्ट डील ला कर देंगे। गाइज, आप लोग अभी जाकर स्पिनी का ऐप डाउनलोड करें और गाड़ी खरीदें या बेचें एट बेस्ट प्राइस, जस्ट लाइक हिम। गो फार विद स्पिनी। एंड गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक मैं तो चला विजयनगर को जिताने भाई। बाय। सोन, पिछली बार वर्ल्ड कप जिताने गया था, हार गए थे। रुक जा, मत जा।